न्यू पेज लिया हमने, आया समझ में नहीं आया। ठीक है, न्यू पेज लिया हमने, यहाँ से कोई पिक्चर ली, जैसे कि ये वाली पिक्चर ले लेते, मूव टूल से हमने यहाँ पर ये पिक्चर इस पेज के ऊपर ले ली। कंट्रोल टी से हमने इसको सिलेक्ट किया, छोटी बड़ी जैसे भी करनी है आप यहाँ पर कर लें, एंटर। ठीक है, एंटर करने के बाद अल्टर की को प्रेस किया और इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर ली, कंट्रोल के साथ टी, छोटी बड़ी कर लेंगे अपन। इसको थोड़ी सी क्रॉप करना था इस पिक्चर को, कोई बात नहीं, राइट क्लिक करेंगे लेयर में, कंट्रोल टी, इसको भी अपन यहाँ से क्या करते हैं छोटी। हमें इस पिक्चर के पीछे कोई बैकग्राउंड अप्लाई करना है। ठीक है, आप जब भी किसी पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देखते हो, एक तो आ रहा है इसके ऊपर आ रहा है लेयर वन, और नीचे क्या आ रहा है बैकग्राउंड, और इसके ऊपर राइट क्लिक करना क्या आ रहा है लेयर वन कॉपी, नीचे क्या आ रहा है बैकग्राउंड। ये है लेयर वन और ये है लेयर वन कॉपी, और इसके पीछे का जो एरिया जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है ये क्या है बैकग्राउंड। हम चाहते हैं बैकग्राउंड में हमें कोई एडिटिंग करनी है, अभी आप देख रहे हैं हम राइट क्लिक करते हैं लेयर वन सिलेक्ट की, तो हम लेयर वन में जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं लेयर वन में कर पा रहे हैं। अब लेयर टू में अगर हमें एडिटिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से सॉरी लेयर वन कॉपी को यहाँ से इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से कंट्रोल टी कर रहे हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक और यहाँ से अपन कर लेंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब अगर हमें बैकग्राउंड में कोई एडिटिंग करनी है, हम चाहते हैं हमारी पिक्चर खराब ना हो, सिर्फ बैकग्राउंड में ही कलर या फिर जो भी हम करना है वो आए, तो आप राइट क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे। अब आपका बैकग्राउंड सिलेक्ट हो चुका है, अब आप कोई पैटर्न लगाना चाहते हो, आप राइट क्लिक करोगे, पैटर्न स्टैम्प टूल सिलेक्ट करोगे, जो भी आप इसमें पैटर्न लगाना चाहते हो उस पैटर्न को आप सिलेक्ट करोगे, और आप देखोगे कि सिर्फ बैकग्राउंड में ही ये पैटर्न आएगा, इस पिक्चर के ऊपर नहीं आ रहा। आ रहा है समझ में? ठीक है, अगर आप राइट क्लिक करके बैकग्राउंड सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा कि बैकग्राउंड में ही अप्लाई होगी वो चीज, बाकी एरिया में नहीं होगी। और अगर हमने यहाँ से क्या बैकग्राउंड सेलेक्ट नहीं किया हो तो आप देखेंगे, अब हम यहाँ से पैटर्न स्टैम्प टूल सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई सा भी पैटर्न सेलेक्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इसके ऊपर भी हो गया, क्यों, क्योंकि बैकग्राउंड हट गया, बैकग्राउंड पहले सेलेक्ट था, आप क्या हो गया बैकग्राउंड अनसेलेक्ट हो गया, आ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, इतना कर लेना आप, नहीं आएगा तो हम डबल